अखिल भारतीय संत समिति कोर्ट के द्वारा एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की हृदय तल से प्रशंसा करती है। 839 पेज की यह रिपोर्ट उन्हीं बातों की पुष्टि करती है जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के द्वारा 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तुड़वाए जाने का जिक्र किया है। गुरुजी, कई ऐसे चीज़ें अंदर मिली हैं, लेकिन बावजूद के मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अंदर मजार मिला है, ईसाई का जो दावा है वो निराधार है, मंदिर उसे साबित नहीं कर सकता है। वहीं जो मूर्तियां मिली हैं उसको बताया जा रहा है कि वो एक किराएदार का था, क्या कहना चाहिए? ये सब सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड फालतू की बातें करना बंद करें। इसी तरीके के फर्जी सबूत 18 देश के प्रसिद्ध वामपंथी इतिहासकारों की फर्जी किताबों को इन्होंने श्री राम जन्मभूमि के केस में भी हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में सबमिट किया था। 18 के 18 को कोर्ट ने फर्जी घोषित किया और इनके बारे में कहा कि ये न कभी अयोध्या आए, न ये रातों रात इतिहासकार से पुरातत्व वेत्ता कब बन गए। उसी प्रकार फर्जी इतिहास काशी ज्ञानवापी के प्रकरण में खोजने की और गढ़ने की कोशिश न करें मुस्लिम समाज, इसी में उसकी भलाई है। अखिल भारतीय संत समिति कोर्ट के द्वारा एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की हृदय तल से प्रशंसा करती है। 839 पेज की यह रिपोर्ट उन्हीं बातों की पुष्टि करती है जिसे प्रसिद्ध इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने औरंगजेब के द्वारा 1669 में ज्ञानवापी मंदिर को औरंगजेब के द्वारा तुड़वाए जाने का जिक्र किया है। इस संदर्भ में मंदिर के संपूर्ण नक्शे को वाराणसी के डीएम रहते जॉर्ज प्रिंसेप ने जारी किया, उसके बारे में वह भी सही उतर रहा है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध इतिहासकार और पुरातत्व वेत्ता प्रोफेसर एएस अल्टेकर ने जिन बातों की पुष्टि की, इन्हीं सारी बातों की पुष्टि वर्तमान में एएसआई ने किया है। हम मुस्लिम समाज से इतनी ही अपील करेंगे कि ये अब रोना धोना बंद करके हृदय बड़ा कीजिए और हिंदू समाज से दोस्ती और विश्वास कायम करने का यह वक्त है। आप आगे बढ़ करके थाल में सजा करके ज्ञानवापी मंदिर को हिंदुओं को सौंप दीजिए तो ही बेहतर होगा। हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए।